नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएसटी में ब्याज के ऊपर, क्या ब्याज ग्रॉस पर लगेगा नेट पर, और जो ब्याज ऑलरेडी ग्रॉस पर लग चुका है उसका क्या होगा। इन दो सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे आज 18 सितंबर 2020 को। एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरनल इंस्ट्रक्शंस निकाली गई बाय द जीएसटी पॉलिसी विंग, और उन्होंने, हमने हालांकि इसको सीबीएसई की वेबसाइट पर सर्च करने की कोशिश की, लेकिन ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर राउंड कर रही थी तो वहां से हमें मिली, और लेकिन ये अच्छा एक इंडिकेशन था इसलिए आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। दोस्तों, हमारे दिमाग में 1 जुलाई 2017 से आज तक ये सिचुएशन है कि ब्याज जो है, इंटरेस्ट जो है सेक्शन 50 में, वो ग्रॉस टैक्स पर लगेगा या नेट टैक्स पर। बहुत सारी बातें हुई, 39वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग का जिक्र हुआ 14 मार्च को, उन्होंने ये कहा कि ये ब्याज का प्रोविजन जो हमने सेक्शन 50 में प्रोविजो लाया है ये रेट्रोस्पेक्टिवली होगा, लेकिन 25 अगस्त को जब नोटिफाई किया गया तो सीबीआईसी ने इसको 1 सितंबर 2020 से नोटिफाई किया। इस एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस में यहां पर उन्होंने फील्ड फॉर्मेशन ऑफिसर, सभी प्रिंसिपल कमिश्नर्स, चीफ कमिश्नर्स, सभी कमिश्नर्स को, सारे डायरेक्टर जनरल्स को और प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल्स को ये एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन दिया, इंटरनल इंस्ट्रक्शन दिया दो बातों को लेकर। उन्होंने कहा, पहली बात तो कि 1 जुलाई 2017 से 31 अगस्त 2020 तक कोई भी टैक्स जो है आप ग्रॉस पर नहीं नेट पर कलेक्ट करोगे। नेट टैक्स वो जो आप कैश लेजर से पे करते हो, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो भी आपने शो कॉज नोटिसेस फॉर द रिकवरी ऑफ ग्रॉस टैक्स, इंटरेस्ट ऑन ग्रॉस टैक्स आपने इश्यू कर दिए हैं, उनको आप अबेंस में डाल दीजिए, उनके ऊपर एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स ना करें तब तक जब तक कि सेक्शन 50 को हम रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड नहीं कर सकते। इसका मतलब आपके ऊपर अगर कोई शो कॉज हो चुका है ऑलरेडी ब्याज के कलेक्शन के लिए ग्रॉस टैक्स पर, वो अब रुक जाएगा, वो आपका अबेंस में चला जाएगी वो प्रोसीडिंग्स, और वो तब तक रहेंगी, और उसके बाद जब सेक्शन 50 अमेंड हो जाएगा तो शो कॉज शेल स्टैंड टू बी विड्रॉन और डिलीटेड और वट एवर द प्रोसीजर दे विल कम आउट विद। सो दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन। नाउ आई वुड से दिस इज वेरी वेलकम स्टेप इन द कंट्री विच इज हैपनिंग, एंड द डस्ट द प्रॉब्लम विच वॉज देयर ऑन दिस इंटरेस्ट प्रोविजन ये धीरे धीरे सेटल हो रही है। और दूसरा सवाल कि जो ऑलरेडी ग्रॉस टैक्स पर जो जो ब्याज कलेक्ट कर लिए गए हैं हमसे, उसका क्या होगा। मेरी हम्बल अंडरस्टैंडिंग में सेक्शन 54 में ये प्रोविजन है कि अगर आपने कोई गलत टैक्स पे कर दिया हो, ब्याज कर दिया हो, तो उसके लिए आप रिफंड सेपरेटली मांग सकते हैं, और आपके लिए सेपरेट प्रोसीजर है वहां पर प्रिस्क्राइब्ड है, आप रिफंड को अप्लाई कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन यूजफुल रहेगी। धन्यवाद, आगे सबको इसको स्प्रेड कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता लग सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।